हेलो गाइस, वेलकम टू एनआर स्पेक्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियो देखा हो, इसमें मैंने बताया कि आप कैसे एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं अपने कॉलर में या किसी कहीं भी। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप लोग किस तरह से एप्लीकेशन को अनहाइड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, भाई हमने एप्लीकेशन हाइड तो कर दिया बट उसको अनहाइड करने नहीं आ रहा। तो अनहाइड करने का प्रोसेस जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट देखना पड़ेगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दे ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन सिंह, आप देख रहे हैं एनआर स्पेक्ट। मेटा विश्व वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, अब आपको मेरा मोबाइल का डिस्प्ले शो हो रहा होगा। मैंने कुछ एप्लीकेशन हाइड किया है, दिखा सकता हूँ मैं आपको अपने डॉलर पैड में। एंड देख सकते हैं ये स्लोप कट है, मैं इसको अनहाइड करके दिखाऊंगा कैसे अनहाइड होता है ये। इसको अनहाइड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कौन सा फ़ोन है मेरा ये। एंड मेरा ये फ़ोन है ओप्पो A520, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये रियल मी सेम सिस्टम, बिल्कुल सेम है, इस रियल मी के फ़ोन में कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स भी यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। फिर आपको पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट ऐसा कुछ दिखेगा, या फिर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऐसा कुछ दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर ऐसे क्लिक करके यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है, ऐप लॉक, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी स्पेस। आप डायरेक्टली ऐप लॉक पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्राइवेसी पासवर्ड जाके अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप लॉक एक और दिख जाएगा, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या डायरेक्टली आप वहाँ से भी कर सकते थे, बट किसी किसी फ़ोन में वहाँ पर नहीं आता, सो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्राइवेसी पासवर्ड से। ऐप लॉक पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे, अगर आपको अपना सिक्योरिटी कोड चेंज करना है, सपोज जैसे आपका मेरा सिक्योरिटी कोड था हैज 8709 हैज टेक था, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके राइट कॉर्नर पर एंड चेंज एक्सेस कोड इस पर क्लिक करके आप कोई भी रैंडम नंबर रख सकते हैं, हैज लास्ट में हैज लगा देना है एंड उसके बीच में आप कोई भी नंबर रख सकते हो, तो मुझे चेंज नहीं करना। यहाँ पे आपको अगर आपको अपना रिसेट ऐप लॉक करना है तो यहाँ से आप ऐप लॉक रिसेट कर सकते हो। एंड अदरवाइज मैं दिखाता हूँ आपको अनलॉक कैसे, अनहाइड कैसे करना है ऐप लॉक ऐप हाइड ऐप को। तो मैं स्लोप हाइड करता हूँ, मुझे स्लोप अनहाइड करना है। देख सकते हैं स्लोप कट दिख रहा है यहाँ पे आपको, मैं इसको अनहाइड करके दिखाता हूँ। इसको अनहाइड करने के बाद क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के लिए यहाँ पे ऐप लॉक लिखा है, इसको अगर आपको ऐप लॉक रखना है तो यहाँ पे ऐप लॉक रख सकते हैं। और अगर सिर्फ अनहाइड करना है ऐप लॉक रख के, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, इस पर क्लिक कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगा। अगर आप ऐप लॉक पे ऐप लॉक भी हटा देते हैं तो ऐप लॉक भी हट जाएगा उससे। मैंने ऐप लॉक नहीं हटाया, देख सकते हैं स्लोप आ गया यहाँ पे, अभी इस पर ऐप लॉक लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको ऐप लॉक भी हटाना तो आपको फिर से जाना पड़ेगा वहीं पर सेटिंग के अंदर एंड ऐप लॉक में जाने के बाद फिर से आना स्लोप के अंदर, देख सकते हैं। एंड अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये अनलॉक हो गया और इस पर कोई भी लॉक नहीं है, तो डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।